दोस्तों, सामने आदि कैलाश पर्वत और इधर हम बैठे आराम से। हाँ और ये देखो आदि कैलाश। फाइनली हम अपने होटल पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा होटल है, ठीक है। ये गाड़ी पार्क करी अभी हमने, और ये सामने ही देखो आप कितना प्यारा, कितना औसम व्यू है, देख सकते हो आप। ये सामने जो है नदी पार, ये नेपाल है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये हमारा पूरा का पूरा होटल का लोन है, और आपको हम एक चीज दिखाना चाहेंगे। हाँ भाई, कैसा लग रहा है व्यू देख के सुबह सुबह दे? इसकी आवाज कितनी प्यारी आ रही है ना। इसकी आवाज है पहाड़ जोर पर, पहाड़ भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है ना दोस्तों इस टाइम पे नदी की। ये जो लेक है सामने, इसको ब्लैक वाटर लेक बोलते हैं, और इसकी आवाज़ पूरी रात इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी इसकी कि क्या ही कहा जाए। ये सामने नेपाल है दोस्तों। ये जो आपको घर दिख रहे हैं, ये सारे ये रोड साइड नेपाल है। और यहाँ पर एक ब्रिज है, देखो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो जा रहा है ना, यहाँ से लोग जा रहे हैं, ये एक ब्रिज है। अगर हम अभी तो हम ऊपर जा रहे हैं, गुंजी जा रहे हैं, जाना है वहाँ से फिर आदि कैलाश, ओम पर्वत। तो जब हम वापस आएंगे ना, तो अगर हम पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर भी जाएंगे, वो ब्रिज क्रॉस करके एक राउंड मार के आएंगे नेपाल का। तो फाइनली दोस्तों, हम रेडी हो चुके हैं, ठीक है। और ये हमने सब अपना लगेज भी पैक कर लिया, और अब बस हम सब निकलने जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई, देखो पहाड़ों पे धूप देखोगे आप। वैसे तो बादल है आसमान के अंदर, बारिश भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते। वहाँ का मौसम हमने रात को चेक करा था, और रात को -3 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ का जहाँ हम जा रहे हैं। गाइस, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इंडिया का कोई ब्लॉगर नहीं आया होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। ये नदी देख रहे हो, इस नदी के अंदर सब सब्सक्राइबर कूद कूद के जान दे दी थी, तो मैंने उन्होंने बचाया। तो उसके बाद मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए कि मेरे को अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करना पड़ गया। तो आज मैं अपना यूट्यूब चैनल दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बने रहना, पूरी वीडियो अंत तक देखना। जैसा आप देख सकते हैं, बाइकों पे हमने सारा सामान बांध लिया। ये देखो, ये जीपी है, इस पर भी सामान बन चुका है, और ये टाइगर का इस पर भी बन चुका है सामान। और एक भाई हमारे जो नए ऐड हुए हैं, ये है करण भाई, ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है। और ये हमारी गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर हम 4 लोग बैठे हुए हैं। जय बोलना दोस्तों। तो अभी हम रुके हैं थोड़ा सा, अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं। ये देखो लाइट है। तो खाना खाने के बाद गड्डियां ऊंचिया लंबिया दोबारा चल पड़ी पहाड़ों में हमारी। ये देखो आप कितने ब्यूटीफुल पहाड़ है। ये रोड पूरा ऑफ रोड है, मेरा मेंढा चला रहा है गाड़ी। ऋषि भाई, ये करण भाई है, और ये हेमंत है। ये हम इन्हों को एक वीडियो बनाने के लिए रुके थे कैमरे से, यानी बना रहा है कैमरे से वीडियो। ते आवाज खतरनाक व्यू है। ये पूरा बर्फ की चेन हुई पहाड़ की,
अभी हम ऑफ रोडिंग करने के बाद गाड़ी रुकी है यहाँ पे, पता नहीं हमारी गाड़ी के अंदर कुछ आवाज सी आई एकदम से। साइड में लगा ले पहले तो दोस्तों, ये चीज देखो आप, देखना पर खड़े होकर जो मतलब फील आ रहा है ना, वो मैं वीडियो के अंदर मतलब उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतना प्यारा व्यू, मतलब इतना प्यारा फील हो रहा है यहाँ पर। जैसे छोटी छोटी बूंदे है ना, ये जा रही, देखो ये देख रहे हो, ये पूरी ये चलती है ना पानी की बूंदे ड्रिंकली, ये मतलब इतना प्यारा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा मुझे लग रही है, ठीक है, और मतलब अल्टीमेट। और ये जाकर सीधा, ये जाकर ऊपर से ये झरना गिर रहा है, सीधा जाके पूरा नीचे जा रहा है, ठीक है। ये वाटरफॉल है, ठीक है, और ये सामने मतलब इतने प्यारे ग्रीनरी पहाड़ है नेपाल के पीछे मेरे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे पहाड़ है ये। और अब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, ठीक है। ये ऊँची है, लंबी है, फंस गई पहाड़ों में। हाँ देख, अपनी लोकेशन के पास पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पर हमारे को एक परमिट चेक परमिट दिखाना पड़ता है, जो हमने परमिशन लिए ना ओम पर्वत के दर्शन के और आदि कैलाश के, वो दिखे। देखो ये हमारी बाइक है, रुकी हुई आगे गाड़ी है, और अभी वो पेपर दिखा रहे हैं, एरिया है पूरा, ठीक है। ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बादल, तो हमने निकाल ली है जैकेटे। यहाँ पर बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा, सबने जैकेटे पहन ली है, ठीक है। और यहाँ पर व्यू मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा प्यारा। अभी बादल आ चुके हैं आसमान के अंदर, काफी ज्यादा बादल है, ठीक है। ये बाइक रुक गई, वहाँ पे परमिट दे रहे है। कराने के बाद हम पहुंच गए घाटी के अंदर, पहाड़ों की घाटी। ये देखो ये पूरी घाटी है, ठीक है। मतलब हम ऊपर की साइड से आए हैं, वहाँ पीछे ऊपर की साइड से, और ये पहाड़ हम पूरा नीचे उतर के आए हैं पूरा का पूरा। ये पूरी घाटी है, कि ये वैली देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत है, और ये पीछे पूरा बर्फ का पहाड़ है। अभी हमारे को और आगे जाना है, ये रास्ता पूरा है, अभी हमारे को और आगे जाना है। साइड से गाड़ी आ रही है, ये नीचे नदी है, नीचे पहाड़ों के लोग इनको नाला बोलते हैं। ये चांद निकल गया, देखो चांद निकल गया। अभी हम अपने टेंट पे जा रहे हैं, जो हमने कैंप लिया है उधर जा रहे हैं। हमने सामान ले लिया, बाकी भैया ले गए हैं, भैया लोग सामान ले गए हैं। यहाँ से जाना है, रात हो गई है।
तो फाइनली हम अपने टेंट पे पहुंच चुके हैं। ये देखो, ये यहाँ पे बॉन फायर हो रहा है, ठीक है। ये हमारे टेंट है, ये वाले। अंदर से एक बार व्यू दिखा देता हूँ, ये व्यू है। और बाहर का मैं दिखा देता हूँ, एक ये वाला टेंट है, ये वाला टेंट है। अच्छी है काफी लोकेशन है ना, ये देखो। बाकी एक बार मॉर्निंग का व्यू आपको और दिखाऊंगा मैं यहाँ का, मॉर्निंग का। ये लोग ठंड यहाँ पर, और हमारे साथ हो गया सीन। क्या सीन हो गया बता तो दे। खाना भूल गए भाई। क्या भूल गए? खाना भूल गए भाई, रेडीमेड खाना लेकर आए। वो भूल गए, अभी हम दोबारा गाड़ी में जा रहे हैं। दोस्तों अभी मैं दो दो रजाई ओढ़ के सो रहा हूँ। हाथ में मैंने ग्लव्स पहन लिया, टोपा पहन लिया। फुल अंधेरा हो रहा है कैंप के अंदर, बहुत ठंड हो रही है। दो दो ग्लव्स पहन के सो रहा हूँ। अभी यहाँ नीचे ना भी में इतनी ठंड है, -4 डिग्री तापमान, और आप देख सकते हो, तो सोचो ऊपर कितना होएगा। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 5, ये देख सकते हैं आप, अंधेरा है अभी तो, और -4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ का, बहुत ठंड है। अभी थोड़ी रोशनी होने दो जब आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय भोलेनाथ। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का दिन निकल चुका है पीछे। ये हमारा पानी गर्म हो रहा है, गीज़र होता है ये, आग वाला गीज़र, जैसे इलेक्ट्रिक गीज़र होता है, इसके अंदर पाइप लगा रहता है, आग वाला गीज़र होता है ये। चुकी है पर रात को ये टेबल बाहर थी, तो आप देख सकते हैं इस पे ओस की बूंदें पड़ी और ये बर्फ की फूम है। तो पूरी बर्फ जम गई। फाइनली गाइस धूप तो निकल चुकी है, अभी भी -3 -2 ऐसे हो रहा है टेम्परेचर। और ये देखो पर्वतों को धूप चूमती हुई, मेरे पीछे आप देख सकते हो ये बर्फ के पहाड़ है। मैं आपको भी ये देखो माउंट अप बोलते हैं उस वाले को, माउंट अपी अपी। ये देखो ये धूप पर्वतों को चूमते हुए, ये जाइंट माउंटेन। और यहाँ का ये ना एक लैपर्ड शेप बनी हुई है, हमारे को एक भैया ने बताया था। एक यहाँ भी है और एक आगे, तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है उसकी, आगे वाली कैप्चर करेगा। अभी वो भैया आया नहीं तो मैं उन्होंने पूछ के मार्क कर देता। ये हमारे टेंट थे, आपको मैंने पहले दिखाए थे, तो ये हमने रात को बॉन फायर करा था। और आप देख ठंड हो रही है, ये मैंने स्टॉल ऑर्डर रखा है, ग्लव्स पहन रखे है, और अंदर भी काफी सारे कपड़े पहन रखे है। यहाँ पे जियो के टावर आ रहे हैं, बस कोई सी सिम के टावर नहीं आ रही है, टावर लगा हुआ है जियो का हमारे टेंट के पीछे ही, बस जियो के टावर आ रहे हैं यहाँ पर। ये पहाड़ देखो, मतलब अलग ही खूबसूरती है यहाँ के पहाड़ों की, है ना। जैसे ये देखो कितने प्यारे वैली है एक तरीके की, ये पेड़ है बहुत सारे। और यहाँ पर देखोगे ना आप, ये वाले पहाड़ पे मतलब कुछ है ही नहीं, ये मतलब वैसे है जैसे बंजर पहाड़ बोलते हैं, उसके पीछे फिर मतलब ग्लेशियर वाले पहाड़ है, और इधर ऐसे। और यहाँ पे ये वाला पहाड़ तो मतलब ऐसा लग रहा है ना, मतलब अलग ही लेवल का, आंखों से देखने पे मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर बहुत बहुत ऊंचाई है। और हम इसके बिल्कुल नीचे खड़े हैं, ये पूरी घाटी है जहाँ पर हम, ये पूरी एक घाटी है, पूरी चारों तरफ पहाड़ है इसके। देखो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है इसके चारों तरफ, और हम बीच के अंदर है। तो रात को मतलब बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, क्योंकि हवा नीचे बैठती है ना, तो इस चक्कर में ठंड हो जाती है। और हमारा तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने अपने कैंप से ऊपर की ओर। ऊपर इनों की डाइनिंग है, क्या बोल वहाँ पे किचन है इनों की, तो वहीं पे खाना
ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी होता है वहीं होता है। वैसे तो हमने रात को तो यहीं पे करा था क्योंकि वो ऊपर से लेके आ गए थे बना के, है ना। अभी हम ऊपर ही जा रहे हैं। आप देखो ये छोटा सा, ये देखो वहाँ पर हमारा कैंप था। हम जा रहे हैं, रात को तो यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था जब हम आए थे ना इस ट्रैक पे। ये भैया हमारे साथ जा रहे हैं जो सबसे आगे जा रहे हैं। यार उधर से चले गया इस वाले से जहां से रात को, ये शॉर्टकट है। चाची बोलते हैं और ये प्रधान जी ये भी आए थे। ये डाइन दही पराठों का नारायण शिवन नारायण सदर प्रभु कृपा बनाए। दोस्तों टाइम हो रहा है इस टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है। धूप अच्छी खासी निकल चुकी है और हम आ गए हैं ये रही हमारी गाड़ी, ये बाइकें खड़ी है हमारी, ठीक है। तो क्या आदि कैलाश की तरफ, आदि कैलाश जी के दर्शन आपको जल्दी वीडियो में कराते हैं आगे। धूप भी अच्छी निकल रही है, बादल है नहीं आसमान के अंदर देख सकते आप, तो मे भी अच्छी हो गई दर्शन। और हमारी गाड़ी के ऊपर बाइक के ऊपर मतलब बर्फ जम गई पता है आपको। देखो अभी दिखा दो, पहले बाइक पे दिखा दो। तो पूरी वाइट हो रखी थी। ये ऋषि भाई, ऋषि भाई ने अभी अपनी बाइक पे से बर्फ हटाई है, मैं आपको गाड़ी पे दिखाता हूँ बर्फ। ये देखो ये पूरी बर्फ जमी हुई है गाड़ी के ऊपर, देख सकते हो आप। ये लाइट के ऊपर भी बर्फ है और शीशे पे भी बर्फ है भाई। वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने चेक करा था तो उन्होंने यही कहा था कि जो मिनरल्स पानी में आके काफी ज्यादा है, तो नॉर्मल पानी मिलता है ना हमारा दिल्ली में मिनरल वाटर। दोस्तों मतलब रास्ता इतना बेहतरीन ब्यूटीफुल। अभी एक हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, गांव है कुटी नाम है इस गांव का, KUTTI, और ये पूरे मतलब अल्टीमेट बर्फ के पहाड़, चमचमाती धूप, आसमान नीला मतलब। हाँ भाई मजा आ रहा है। परमिट चेक कराना। तो जो दिल्ली से हम धारचूला रुके थे डायरेक्ट, और धारचूला के बाद हमने एक स्टे लिया था गुंजी के अंदर, गुंजी में नाइट स्टे लिया था। और फिर उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लास्ट विल कुट्टी लेफ्ट हैंड पे, ये
हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली वो पल मेरी जिंदगी का मतलब पूरा हो गया, ठीक है, और हम पहुंच गए हैं आदि कैलाश जी। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये सामने हर हर महादेव, ब्यूटीफुल। आप सब लोग भी दर्शन करिए, मतलब हर हर महादेव। दोस्तों दिल्ली से इतनी दूर का सफर तय करके हम आए हैं और फाइनली हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा थी, मतलब रास्ता बहुत अच्छा भी था रास्ता, और थोड़ा बहुत हमें वैसा भी मिला टफ, पर हमने उस रास्ते को पार करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं और फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। पूरे में आप देखोगे कितना प्यारा व्यू है, और सामने ये सारे पहाड़ जो जितने मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारे मिट्टी वाले पहाड़ हैं, ये देखो, और सामने ही बस आदि कैलाश जी, ये पर्वत हमारे भोलेनाथ जी, आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल। मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये देखो, हर हर महादेव। हम सारे दोस्तों ने मिलकर ये सफर तय करा है। एक हमारी गाड़ी आई है और तीन हमारी बाइक आई है, मतलब दो बाइक हमारी दिल्ली से आई थी और एक बाइक वो भाई हमारे उत्तराखंड में ही रहते हैं, वो भी हमें उत्तराखंड में हमारी साथ ही आए हैं, वो उन्होंने हमें काफी गाइड करा यहाँ पर। ये पीछे आदि कैलाश जी, तो ये सामने बंकर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं लाइन से, दो तीन ये बने पड़े हैं, और ये सब लोग यहाँ पर आदि कैलाश जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। ये सामने मेरे दोस्त खड़े हैं, ये शांतनु भाई, ये बैठे हुए आराम से भोले बाबा जी से प्रार्थना करते हुए थोड़ा, और सामने ही बिल्कुल ये व्यू पॉइंट पे हम यहाँ बैठे गए, अभी मैं यहाँ बैठूंगा, सामने ही अपनी मनोकामना जो भी होगी मांगेंगे। हर हर महादेव। सामने आदि कैलाश पर्वत और इधर हम बैठे आराम से, तो अभी मैं यहाँ पर ये इस जगह के ऊपर, ये जो जगह है मेरे पीछे, अभी मैं यहाँ पर बैठ गया था, और बैठ के मतलब मैं सामने मेरे आदि कैलाश पर्वत भोलेनाथ जी, मेरे को मतलब उस मतलब कुछ अलग ही मतलब एक फील हो रहा था, ठीक है। मैं यहाँ पर बैठ के मतलब एक कहते हैं ना, मतलब एनर्जी फील सी होने लगती है, और मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा वो चीज़। मेरे दोस्त वहाँ को वो आपको दिख भी रहे होंगे, ये देखो मैं यहाँ पर बैठा हुआ, मतलब मेरे को पहाड़ के अंदर अलग अलग सी मतलब बहुत सारे दर्शन हुए। कभी मुझे आँख दिख रही थी, कभी तीन तीन मतलब सर दिख रहे थे, और मुकुट दिख रहा था, त्रिशूल दिख रहा था, मतलब बहुत सारी चीज़ उस पहाड़ के अंदर आदि कैलाश, मतलब अलग ही मेरे को मतलब मेरे हाथ पैरों में एक अलग सी वो होने लग गई थी। बस
मैं आपको क्या ही बताऊं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो दोस्तों, अब मिलता हूँ अगली वीडियो में।